नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ सुप्रिया रोड में। अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि मोमो एक चाइनीज डिश है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। दरअसल नाम इसका चाइनीज है, लेकिन वास्तव में ये एक नेपाली और तिब्बतीन डिश है, जिसका इजाद जो है वो कहीं ना कहीं नेपाल से ही हुआ है। ये जो वेंडर है, ये जो शॉपकीपर है, ये प्रॉपर नेपाल से हैं, राजधानी काठमांडू से हैं ये नेपाल की, और ये कई वर्षों से मोमो बनाते हैं। अभी ये चंपारण में है, चंपारण के बेतिया शहर के सुप्रिया रोड में है। इनके यहाँ से तकरीबन 2 दर्जन नेपाली यहाँ आए हैं जो कि मोमो बनाते हैं। खासियत ये है कि जगह जगह ये अपनी छोटी स्टॉल लगाते हैं, और काठमांडू का जो टेस्ट होता है ना मोमोज का, वो टेस्ट ये यहाँ खिलाते हैं। पहले हम कुछ लोग यहाँ खा रहे हैं, उनसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेस्ट में ये क्या कहना चाहेंगे, कि क्या वाकई में जो काठमांडू से यहाँ आके मोमोज खिलाते हैं वहाँ के टेस्ट में, और यहाँ के जो लोकल है वो बनाते हैं, इनके टेस्ट में कितना अंतर है। आपने मोमोज खा लिया यहाँ? हाँ, खा लिए। पीयूष नाम क्या हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? बेतिया से ही। प्रॉपर आप यहीं के हैं, ये नेपाली हैं, ये मोमो बनाते हैं। आपने यहाँ के लोकल दुकान में भी मोमो खाया होगा? लोकल मोमोज मैंने खाए हैं जो कि यहाँ के बसिंदे लोग बनाते हैं, बट देर इज अ वेरी मच डिफरेंस इन द टेस्ट। मतलब द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम काठमांडू, दे हैव द टेस्ट दैट इज फार देन बेटर। जो वास्तविक जो टेस्ट होता है मोमो का जो वास्तविक टेस्ट होता है, ये कहीं ना कहीं इनके हाथों से आता इन्हीं के हाथों से अच्छा लगता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। और लोकल लोग जो बनाते हैं, दे कांट गिव दैट टेस्ट। अच्छा, ये तो आप जानती हो कि मोमो जो है प्रॉपर नेपाल की ही डिश है, और ये बहुत बड़ी बात है कि नेपाल से तकरीबन 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो यहाँ आके, चंपारण में आके, अलग अलग जगहों पे अलग छोटा अलग होटल। जगहों पर हैं, लगे हुए हैं, जैसे तीन लालटेन चौक पर है, फिर उधर मीना छावनी चौक पर है, फिर मीना बाजार साइड में है, और कुछ लोग इधर अरेराज रोड वाले में भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन है लोग, और सब काठमांडू से ही आए हुए हैं। का टेस्ट मतलब लाजवाब अलग होता है। सबका टेस्ट मतलब एक ही है, लेकिन जो लोकल लोग जो बना रहे हैं, दे कांट गिव दैट टेस्ट। हम ये कह सकते हैं कि बहुत मतलब सौभाग्य की बात है कि हम जो वास्तविक मोमो का टेस्ट है वो हम अपने चंपारण में खा रहे हैं। हाँ, ये तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एक चीज बताइए, चूंकि आप एक व्यूअर हैं, आप एक ऑडियंस हैं, और आप यहाँ मोमो खाने आते रहते हैं हाँ, हमेशा, हमेशा आता हूँ, हमेशा आता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि भाई अगर मोमो वास्तविक खाना है, जो काठमांडू का जो टेस्ट वास्तविक जो मोमो का होता है, अगर वो खाना है तो क्या वो यहाँ आ सकते हैं? एकदम आ सकते हैं, डेफिनेट आए, एक बार आके टेस्ट करके जाएं। एक बार टेस्ट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी मोमो खाने आए हैं? जी, मैं भी मोमो खाया आया हूँ। नाम क्या हुआ आपका? अली मोहम्मद। क्या बताना चाहेंगे यहाँ के मोमो के बारे में? नहीं, मतलब कि मैं तो यहाँ पिछले कुछ दिन से लगभग 1 वीक से खा रहा हूँ। उनके टेस्ट बहुत लाजवाब होती है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी खाने अभी रेडी हो रहा है, तो टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, और मैं तो बोलूंगा कि लोग यहाँ पे आए खाएं और टेस्ट बताएं अपना। यहाँ के जो लोकल दुकानदार होते हैं जो फास्ट फूड के, और ये लोग जो प्रॉपर जो नेपाल से आए हैं, तो टेस्ट में क्या कुछ अंतर समझ में आता है? हाँ, लोकल और इनके बहुत टेस्ट में अंतर तो है, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं यहाँ खा रहा हूँ और पहले लोकल खा रहा था, तो वहाँ से मतलब एकदम बेटर टेस्ट है इनका। मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं लोकल जगह खाना ही छोड़ दिया है एक तरह से बोला जाए तो। वास्तविक मोमो का जो टेस्ट है आप वहाँ से लेते हैं? हाँ, यहाँ से लेते हैं, मैं अब यही खा रहा हूँ कुछ दिन। हमेशा आ पाते हैं? हाँ, अभी कुछ दिन मैं हमेशा आ रहा हूँ, पहले लोकल खा रहा था, लेकिन यहाँ जब से खाया यहाँ टेस्ट मुझे बहुत बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं अभी यही खा रहा हूँ। रेट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या ये जेन्युइन है रेट? रेट यही है, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज से, तो उसका लगभग 75% कम है। 75% कम है, और इत्तेफाक की बात यह है कि वास्तविक टेस्ट भी है। हाँ, वास्तविक टेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम जरा इनसे बात करते कि भाई नाम क्या हुआ आपका? मेरा भीम तामंग है। कहाँ से हो आप? नेपाल से हूँ। नेपाल से आप आए हो, अभी आप चंपारण में हो? हाँ, चंपारण में। कितने लोग आप लोग नेपाल से आए हो? हाँ, 150 150 हो गया। तो 150 लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो सब मोमोज बनाते हैं? हाँ, सब लोग मोमोज की लाइन में है। आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? है, 7 आदमी है। तो एक चीज आप बताइए हमें कि आप लोग जो मोमो बनाते हैं उसका तो तरीका बहुत अलग होता होगा जो यहाँ के लोग बनाते हैं, दूसरे राज्य के हो गए या फिर दूसरे देश के हो गए। जैसे आप बिहार में हैं, नेपाल से आप बिहार आए हैं, तो तरीका तो अंतर होगा, तभी तो कहीं ना कहीं टेस्ट में भी अंतर आता होगा ना। हाँ, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा चीजें अलग है सब ना, बनाने का अनुभव ये बनाने तरीका अलग अलग है। अच्छा, तो खैर कौन कौन से मोमोज आप बनाते हो यहाँ पे, वेज नॉन वेज? वेज है, पनीर है, चिकन है। चिकन, नॉन वेज, वेज, ये सब जरा इसको आप उठा के दिखाओ।
देखिए बड़ी बात यह है कि एक तो दूसरे देश से लोग यहाँ आते हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं खासकर के पड़ोसी देश नेपाल से, और वो यहाँ पे बड़े पैमाने पे अपना धंधा चमका रहे हैं, अपना रोजगार चमका रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो टेस्ट है, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ खाते हैं उनको भी टेस्ट बड़ा ही अलग लगता है। कितने लोग आ जाते हैं और दुकान कब से कब तक खुला रहता है यहाँ पे? सुबह शाम को 4 बजे तक, 4 बजे खुला होता है। कितने बजे रात तक? रात 9 बजे तक रहता है। तो सब शाम के 4 बजे जब खुलता है, रात के 9 बजे तक आप रहते हो, तो कितने प्लेट आप बेच लेते हो टोटल मिला के, नॉन वेज और वेज टोटल मिला के कितने प्लेट मोमोज आप बेच लेते हो? 100-150 प्लेट आराम से बेच लेते हो। वेज का क्या प्राइस है? वेज का 40 रुपये स्टीम। कितने कितने पीस होते हैं उसमें? 10 पीस रहेगा। स्टीम की बात कर रहे हो ना? स्टीम में 10 पीस रहेगा। वेज नॉन वेज में 50 रुपये प्लेट, 10 पीस रहेगा। पनीर 50 रुपये प्लेट नहीं, 10 पीस रहेगा। फ्राई मोमो भी रखते हो ना? फ्राई मोमो भी है। फ्राई मोमो के 60 लगता है, एक्स्ट्रा लगेगा। 60 रुपये का वो प्लेट आता है, 10 पीस उसमें भी होता है, 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो मतलब ये अलग अलग प्राइस है। जरा मोमो आप हमें दिखाओ। ये कौन सा मोमो है? चिकन मोमो है। ये चिकन मोमो है, जरा इसको उठाइए। इसके नीचे भी है क्या? इसके नीचे वेज है। अच्छा, इसके नीचे वेज है। हाँ देखिए, ये पूरी तरह से ये गोल मोमो है, ये पूरी तरह से वेज है, ये चिकन है। और पनीर मोमो का है? आज पनीर थोड़ा सा बनाया था, पिक गया थोड़ा सा। हाँ, कितने जगह आपका स्टॉल लगता है? 4 जगह में। कहाँ कहाँ लगता है? स्टेशन के पास, छावनी, चेक पोस्ट, इधर विशाल मेगा मार्ट में। विशाल मतलब 4 जगह स्टॉल है, और मतलब हर एक स्टॉल पे एक एक बंदा रहता है? बंदा रहता है। तो कमाई अच्छी खासी हो जाती है? ठीक है। आप नेपाल से यहाँ आए हो तो आप कहीं ना कहीं व्यापार के लिए आए होगे, तो कमाई अच्छी खासी हो जाती है? उधर से इधर अच्छा होता है। अच्छा हो जाता है। और लोग क्या बोलते हैं स्वाद के बारे में? स्वाद के बारे में सब लोग बोल रहा है अच्छा है, बढ़िया है, आप कल भी खाएंगे ऐसा बोलते हैं। तो नेपाल में कहाँ से हो आप? मैं नेपाल काठमांडू गांव साइड में हूँ। काठमांडू। और मोमोज कितने सालों से आप बनाते हो? मोमो 5 साल हो गया। और यहाँ कब आप आए? यहाँ 2-3 साल हो गया। 2-3 साल इधर हो गया आपको? तो मतलब आप 5 साल पहले से बनाते हो मोमो, तो नेपाल में मोमो बनाते थे? इधर 2-3 साल हो गया, इधर रहेंगे 5-6 साल उधर नेपाल में। टोटल कहें तो 8-10 साल से आप मोमो बनाते हो? जी हाँ। नेपाल में मोमो बनाते थे? नेपाल में बनाते थे। चलिए, तो ये पूरी जानकारी है। अगर आपको नेपाल वाले मोमो खाने हो, अगर आपको वास्तविक टेस्ट वाले मोमो खाने हो, तो आपको जरूर आना चाहिए सुप्रिया रोड में विशाल मेगा मार्ट के सामने। देखिए, इनका एक छोटा छोटा स्टॉल लगता है, और स्टॉल एक जगह नहीं होता है बल्कि शहर के कई भागों में स्टॉल लगता है, और 2-3 घंटों में ये तकरीबन 150-200 प्लेट बेच लेते हैं। आम दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल ओकेजन पे जब जब भीड़ ज्यादा रहता है, तो 2-3 घंटे में कितने प्लेट बेच लेते हो आप? आज 400 प्लेट बिक जाता है ना? प्लेट बिक जाता है, बिक जाता है 400-500 प्लेट बिक जाता है। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ ये फ्राइड मोमोज बनाए जा रहे हैं, और ये स्टीम मोमोज हैं। और खास बात ये है कि आपको अब चंपारण में भी काठमांडू का फेमस मोमो मिलता है, मिल रहा है। जगह अलग अलग जगहों पे ये स्टॉल्स लगा के बेचते हैं, अच्छा फायदा भी हो रहा है इनको, और लोगों को भी स्पेशल टेस्ट वाला मोमो खाने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप वास्तविक मोमो का टेस्ट लेना चाहते हैं, अगर आप चंपारण में हैं, तो आप इन जगहों पे आ सकते हैं। और काठमांडू का फेमस जो डिश है पूरे वर्ल्ड में, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है यूथ के द्वारा, उसका स्वाद आप यहाँ से ले सकते हैं। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।